बुधवार को झमाझम बारिश हुआ। पहले ही बारिश में शहर में कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति देखी गई। रेती चौक, जिला अस्पताल, बर्फखाना रोड, डीएम कार्यालय, अन्य जगहों पर भी सड़कों पर पानी लगा रहा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में सुबह से ही 110.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर के कुछ हिस्सों में जलजमाव की समस्या हुई, लेकिन नगर निगम के लगातार सक्रियता तथा नालों की साफ सफाई की वजह से जल जमाव को 3 से 4 घंटे में सभी जगह से पानी निकल गया। उन्होंने कहा कि सुबह रेगुलेटर चालू न होने पर दिक्कतें आईं, लेकिन नगर निगम की टीम ने लगकर हासुपुर और इलाहीबाग के रेगुलेटर में कुछ दिक्कतें आई थी उसको सही कराकर तेजी के साथ कंट्रोल किया और कहीं पर भी किसी प्रकार की जल जमाव की समस्या नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि कल रात से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगभग 110.8 मिलीमीटर की भारी बारिश गोरखपुर जनपद में हुई है, जिसकी वजह से आज प्रातः शहर के कुछ हिस्सों में वाटर लॉगिंग हो गई, जैसे कि विष्णुपुरम में, बसारतपुर, डॉक्टर्स इनक्लेव, राप्ती नगर, भेड़ियागढ़ आदि जगहों पर। लेकिन पिछले फरवरी के एंड से नगर निगम की लगातार सक्रियता और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और क्षेत्र से बाहर के भी नालों की तली झाड़ सफाई की वजह से ये देखने में आया कि ये जो वाटर लॉगिंग हुई 3 से 4 घंटों के भीतर सभी जगहों से पानी अपने नॉर्मल कोर्स में निकल गया। इन सभी जगहों को मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी टीम, अपन नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, जोनल अफसर, एक्सीएन, एई, जेई आदि के साथ मौके पर जाकर भ्रमण किया। एक जगह पर मुझे बसारतपुर एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति ने नाले को अपने प्लॉट में जाने के उद्देश्य से पूरा मिट्टी डालकर पाट दिया था, जिसकी वजह से कि पानी का फ्लो रुक गया था। 3:30 बजे मेरे पास खबर आने पर मैं खुद वहाँ पर गया और JCB बुलवा कर तत्काल, जो मुश्किल से बहुत छोटा एरिया था लेकिन उसने पूरा मिट्टी डालकर पाट देने से पानी का बहाव रुक गया था, तुरंत JCB बुलवा कर उसको खुलवा दिया गया। पानी का बहाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और ऐसे एक व्यक्ति जो कि पूरे नाले के बहाव को रोक रहा था और जिसकी वजह से अन्य बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान होता, उसके खिलाफ जो है संबंधित शाहपुर थाने में जटेपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत FIR प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही साथ एक पिंटू नाम का जो पथ प्रकाश का जो कर्मचारी था, पिछले काफ़ी समय से जो कि अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहा था, उसको भी आज के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई है।
देखने में ये आया है कि जो देवरिया रोड पर जो सिंगड़िया वसुंधरा जहाँ की पिछली बार की बारिश में हैवी रेन में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी, इस बार जो देवरिया रोड पर CNDS के द्वारा बनाया गया जो नाला है जिसमें कि नगर निगम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी उसको कंप्लीट कराने में, वो आज उसका जब वहाँ से पूरे उस एरिया में 15 से 20 कॉलोनियाँ उस नाले से जुड़ी हुई हैं और वो इस नाले के बन जाने की वजह से वो उन कॉलोनियों में एक भी बूंद जो है पानी नहीं लगा। पिछली बार जो सिंचाई खंड का जो बाढ़ प्रखंड है वहाँ बहुत पानी लग गया था, अन्य कुछ सरकारी कार्यालय तो वहाँ पानी लगा था, लेकिन अभी मैं हम लोग मुआयना करके आ रहे हैं कहीं पर भी कोई पानी नहीं लगा है। और कुछ सुबह में ज़रूर दिक्कत हुई थी, जैसे कि हमारा हांसूपुर का जो हमारा रेगुलेटर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, हमारा जो लाल डिग्गी का संपवेल है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इसके साथ साथ जो विष्णुपुर का हमारा संपवेल था वहाँ पर कुछ डीजल की समस्या हुई। लेकिन ये सारी समस्याएँ बहुत ही तेज़ी के साथ, चूँकि नगर निगम की पूरी टीम 6 बजे से ही फील्ड में थी, सभी लोगों ने वक्त के साथ बहुत ही तेज़ी से हमने इसको पूरा कंट्रोल कर लिया और इस वक्त जो है कहीं पर भी जो है पानी की समस्या नहीं है।